मनोज जी, आज महाअष्टमी माँ महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है, कहाँ मौजूद है और किस तरीके की तस्वीर भक्ति की? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे तो आज महाअष्टमी है और नवरात्र को लेकर के पिछले जब से शुरू हुआ है तब से धूम मची हुई है, उत्साह का आलम है। चूंकि 2 साल बाद लोगों को मौका मिला है पूजा पंडालों में जाने का, एक तरह से गैदरिंग का, और अभी मैं खड़ा हूँ सेटेलाइट कॉलोनी स्थित पूजा पंडाल में। आप देख सकते हैं यहाँ भव्य माँ दुर्गे की प्रतिमा बनाई गई है और बंगला रीति रिवाज से यहाँ पूजा की जा रही है। अभी यहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे जो तमाम श्रद्धालु है यहाँ पे जुटे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो पूजा पद्धति है उसको लेकर के यहाँ पे जो आयोजक है उनकी तरफ से खास व्यवस्था की गई है, और यहाँ पे तमाम लोग जो सेटेलाइट से जुड़े हुए हैं या इस आसपास के जो लोग हैं, उसके अलावा शहर के जो तमाम लोग हैं यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आज चूंकि महाअष्टमी है तो महाअष्टमी को लेकर के क्या कुछ खास पूजा यहाँ पे किया गया है, हमारे साथ में यहाँ पे श्रद्धालु हैं, महिला श्रद्धालु जो पूजा समिति से भी जुड़ी हुई हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं आज महाअष्टमी का पूजा है क्या कुछ खास रहा है। जी, जय दुर्गा माए जय। इस बार हम लोग का आज का अष्टमी तिथि का दुर्गा पूजा, अभी संदिक्षण में संधि पूजा भी हुआ है, तो इस विषय में हम कहना चाहते हूँ हम लोग का पूरा परंपरा का रीति के साथ पूजा होता है। आज सेल सैटेलाइट कॉलोनी, इस बार सेल 50 साल पूर्ण हुआ है, इस भव्य ये में हम लोग आज दुर्गा पूजा का सेल सैटेलाइट कॉलोनी का पूरे पंडाल में सब भक्तों गजन महिला पुरुष सब बच्चे सब एकत्रित होकर हम लोग आनंद लिए हैं। इस पूर्व संध्या बेला में अभी हम लोग आरती होगा, फिर सामाजिक रीति रिवाज के पूजा भी हुआ है, सवेरे से शाम को भी आरती होंगे, भव्य पूजा पंडाल का उत्सव मनाया जाएगा। आप यही हम बोलना चाहते हैं, हम इधर के आज हम लोग 31st ईयर्स दुर्गा पूजा कंप्लीट किए हैं, मैं भी इसमें 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। भव्य रीति रिवाज से भोग पूरा अपने हाथ से बनते हैं, माँ को पूरे नियम से भोग चढ़ाना होता है, तीनों दिन सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन भोग चढ़ता है इसमें, फिर संधि पूजा का भी क्षण में भोग तैयार होता है। इसलिए पूरी हम लोग हर्षोल्लास के साथ बच्चे महिला पुरुष सब एक होके हम लोग इस पूजा को भव्य रीति रिवाज मनाते हैं। जय दुर्गा माए जय। तो भव्य तरीके से मनाया जाता है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, हम इनसे बात करते हैं, पूजा समिति से ही जुड़े हुए हैं। आप बताइए, अगर हम आयोजन को लेकर करेंगे किस तरीके से यहाँ पे 2 साल बाद मौका मिला है तो इस आयोजन को लेकर के कितना उत्साह नज़र आया था और किस तरीके से सारी चीज़ें? सबसे पहले तो मैं महाअष्टमी की शुभकामनाएँ सबों को देना चाहूँगा और आपको भी, कशिश टीवी को। और मैं आपको बता सकता हूं कि मैं खुद 1993 से इससे जुड़ा हुआ हूं जब से हूं, और अभी मेरी पोस्टिंग दुर्गापुर हो गई है, मैं इसी के लिए यहां पे आया हूं इस पूजा का के आयोजन में रहने के लिए और इस माहौल को एक्सपीरियंस करने के लिए। एक ये एक बड़ा ही पारिवारिक पूजा होता है जहां सेल के चारों जो इकाइयाँ हैं, सेफ्टी, सेल, R&D, MTI और CET, ये चारों इकाइयाँ की एक एक परिवार के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही खूब अच्छा माहौल रहता है। तो मैं खुद दुर्गापुर से यहाँ आया हूँ और आज तो विशेषकर जो महाअष्टमी है और संधि पूजा, इसका एक विशेषता अलग होती है हमारे इसमें दुर्गा पूजा में, तो बहुत ही माहौल, खासकर ये कोरोना का 2 साल जो रहा उसमें हम लोग बहुत मिस किए, और फिर से इस बार बहुत एक ज़बरदस्त उत्साह के साथ इस पूजा को मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के लिए दुर्गापुर से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, यहाँ का मिस ना हो, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हम इनसे भी बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है इस बार आप लोग मना रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से कर रहे हैं बताइए, आप बताइए, इस बार 2 साल बाद मौका लगा है, कितना उत्साह, कितना उमंग? बहुत ज़्यादा उत्साह है, 2 साल बाद हो रहा है, 31st ईयर भी है, तो बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है। पूरी कोविड का जो प्रोटोकॉल है और हमारा जो यहाँ का कमिटी है, 50th ईयर्स भी है सेल का, तो सारा मिला के काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं राहुल, जैसा मैं बता रहा था आपको कि यहाँ बंगला रीति रिवाज से पूजा होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भोग वगैरह लगाया गया है और अभी अभी पूजा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले पुष्पांजलि दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पे, चूँकि आज जो है
महागौरी की पूजा हो रही है, अष्टमी है, और ऐसे में महिलाएं जो हैं माँ का खोइंचा भरती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रखा हुआ है, बहुत सारे लोग जो हैं वो खोइंचा यहाँ भरी हैं। कुछ जो महिलाएं यहाँ पे हैं जो जिन्होंने आज खोइंचा भरा है, माँ की एक आराधना की है, हम इनसे भी बात करते हैं। आज का दिन अगर हम बात करेंगे, महाअष्टमी महागौरी की पूजा होती है, कितना महत्व रखता है, कितना खास होता है आपका दिन? आज का ही दिन दुर्गा पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, और आज ही के दिन तो सारे मतलब महिलाएं यहाँ पे उपवास रखती हैं। आज ही का सब मतलब सब पूजा आज ही के दिन लगता होता है। तो आज आप लोगों ने क्या कुछ किया? आज आप उपवास में हैं? जी, हम लोग उपवास में हैं, फास्टिंग किए, और फिर उसके बाद आज तो ये भी होगा, ये बलिदान भी हुआ है, और हम लोग ये दिया भी लगाए, 108 दिया जलाते हैं इधर। इधर तो नियम से हम लोग का इधर पूजा होता है सैटेलाइट कॉलोनी में, और ये होता है धुनुची भी होता है, आज नहीं होता कल होता है, यहाँ जागरण भी होता है बहुत नियम से। सैटेलाइट कॉलोनी में हम लोग का पूजा सब नियम से होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम सारा कुछ, मतलब बहुत सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पे पूजा। तो क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है? बच्चों ने किया है, बच्चों का प्रोग्राम होगा शाम में, बच्चों ने किया है। हम लोग धुनुची का प्रोग्राम करेंगे, और लेडीज लोग डांडिया भी करेंगे, बच्चे लोग का ड्राइंग भी यहाँ हुआ था, और लेडीज लोग का अल्पना कॉम्पिटिशन भी हुआ था, वो आगे में आप देख सकते हो, यहाँ कॉम्पिटिशन का लगा हुआ है, कंपटीशन का लगा हुआ है बच्चों के लिए जो है। यहाँ पे कई तरह की प्रतियोगिताएँ, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उधर प्रसाद वितरण हो रहा है, और हमारे साथ पूजा समिति से जुड़े हुए एक और सदस्य हैं। हमारे यहाँ आज का प्रोग्राम में शाम 7 बजे से कल्चरल प्रोग्राम होगा अभी, और कल हमारा नवमी के शाम में धनुची का प्रोग्राम है, जो कि कंपटीशन भी इसमें होता है, इंडिविजुअल का टीम इवेंट, और माता की आरती धनुची के द्वारा की जाती है। क्या होता है उसमें, होता क्या है? में क्या होता है कि एक बंगला समाज में देवी पूजा का एक परंपरा, जिसमें कि मिट्टी के बर्तन में धूप लेके और लोग एक तरह से माता का आरती करते हैं डांस के रूप में, तो इंडिविजुअल भी होता है, ग्रुप का भी होता है, बच्चों का भी, बड़ों का भी, और इसमें एक कंपटीशन भी होता है किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो उसके लिए बाहर से भी कलाकार आते हैं? नहीं, हमने बाहर से कलाकार नहीं लाते हैं, हमारे इन हाउस जो जितनी फैमिली हैं, उनके बच्चे, उनकी लेडीज जेंट्स सभी करते हैं। और कल रात में 10 बजे से एक जागरण का भी प्रोग्राम है, जो कि रात भर चलेगा। रात में जागरण का भी कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं राहुल किस तरीके से उत्साह और उमंग है, चूँकि 2 साल बाद मौका लगा है लोगों को एक साथ इस तरीके से सामूहिक रूप से पूजा करने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँची हुई हैं। एक तरह से कहा जाए तो दुर्गा पूजा का जो उत्साह और उमंग जो है वो पूरे चरम पे है, और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं अभी काफ़ी अगर कहा जाए उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इस बार चूंकि इस बार कोई बंदिश नहीं थी, किसी भी तरह का प्रशासन के तरफ से कोई रोक टोक नहीं था, तो उसको लेकर के तैयारी में आप लोग किस तरीके से किए, कितना फ्री होकर के काम किए, और अभी चूंकि जो भीड़ उमड़ रही है तो उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना था? नहीं, अभी तो जो हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशंस लेके सारा पूजा किया है, और ये ऑफिशियली हमारे हम लोग हर साल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले परमिशन लेते हैं, वहाँ से परमिशन उनकी जो भी मीटिंग्स होती है, क्या क्या कोरोना का क्या या जिला का जो भी हमें आदेश का पालन करना होता है, हम लोग विभिन्न जगह हम लोग इसको फॉलो कराते हैं अपने यहाँ। और चूँकि ये सेल का पूजा है, और सेल का हमारा ये 50वां वर्ष है, इस चीज़ को हमने हाईलाइट किया है, और यही हमारा सेल का देश के निर्माण में क्या योगदान है उसको हमने इस मैदान में दिखाया है, वो भी दिखाया है। यहाँ पे जो आए हुए हैं, ये बजा रहे हैं, ये कलाकार कहाँ से आए हैं, हम इनसे बात करते हैं, कहाँ से आप आए हैं, और ये इसके लेकर के कितनी तैयारी कर रखा था आप लोगों ने, कितने लोग हैं यहाँ? हम लोग बांकुड़ा से आया था, तो ये पूजा शुरू हुआ है 91, तो हम लोग शुरू साल से आया था, ये कमिटी खूब अच्छा लगता है, कमिटी सब आदमी हम लोग के भलोबसता है, और हम लोग हिंदी तो ज़्यादा नहीं जानता है, तो थोड़ा थोड़ी बहुत बताइए, जब तो पूजा अच्छा हुआ है। तो कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर हमारा 4 ढाकी है, 1 घंटे ये लोग आया था। 4 ढाकी है और ढोलक है? हाँ, 1 ढोलक, 1 घंटे है, घंटे है। हाँ, अच्छा, तो ये जो कलाकार हैं पश्चिम बंगाल के बांकुरा से आए हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि ये यहाँ जो पूजा जो हो रही है उसमें जिस तरीके से यहाँ होती है, एक परंपरा रही है काफ़ी
पुराना रहा है, 50 साल इस पूजा समिति के पूरा हुए हैं यहाँ पे पूजा करते हुए, और उसको लेकर के जो है उत्साह जो है बिल्कुल तो पूजा ही बढ़ गया है। इस बार भी अपनी मेहनत है और जो श्रद्धालु है पहुंच करके माँ दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।